फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे हैं। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एक रेसिपी लेकर आए हैं। तो ये हम अंडे को ना बॉयल किए हुए हैं, बस फेंट कर, और अंडे को हम पानी में बॉयल कर दिए हुए हैं टिफ़िन में। देखिए छूट जा रहा है पूरा। और इसको हम टुकड़े टुकड़े करके हम ये प्याज लिए हैं और ये बघारेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ना मसाला है, हल्दी पाउडर, हल्दी है और अदरक है और ये सब मसाला है। और ये बैंगन डालकर बनाएंगे। तो बैंगन को मैंने टुकड़े में किए हुए हैं और ये कढ़ाई हम चढ़ाए हुए हैं। तो इसमें बैंगन को ना पहले फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फ्राई करने से ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो हम ये अंडे को छोटा छोटा टुकड़े में कर लेते हैं। इसमें बस काली पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाले हैं और थोड़ा सा हल्दी डाले हैं, नमक डाले हैं और कुछ नहीं डाले हैं। इसको पानी में हम बॉईल करके निकाल लिए हुए हैं। ये फ्राई हो चुका है, तो बस थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। तो ना हम इस कढ़ाई में फिर से ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा सा, और ये हम थोड़ा सा सीरा जीरा है इसको ऐड कर रहे हैं। इसमें ये जल जाएगा तो हम प्याज ऐड करेंगे। तो ये जल चुका है, इसमें हम डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्राउन कलर के हो चुका है। तो इसमें हम मसाला लिए हुए, नमक उमक सब इसी में ले लिए हुए हैं। थोड़ा सा हम पानी डाल रहे हैं भूनने के लिए। थोड़ा सा राव डालेंगे। और ये कटी हुई थोड़ा सा टमाटर है, इसको भी इसी में डाल देते हैं। तब तक उसी साथ में भी आ जाएगा। तो इसमें हम बैंगन को भी डाल देते हैं थोड़ा सा देंगे। बहुत जल्दी बन जाता है, इजी है एकदम बनाने में। तो ये हम अंडे के टुकड़े को भी डाल देते हैं इसी में। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि पकेगा। बैंगन डाले हुए हैं इसमें हम। धीमी आंच पर एकदम नॉर्मल आंच पे इसको हम पकाएंगे, नहीं तो अंडे सब टूट जाएगा। ये देखिए। और मैंने ये हरा धनिया थोड़ा सा रखे हुए थे, ढक देते हैं। नमक उमक हम डाल चुकी हूँ मसाले ही में, इसको हम डाल दें। तो तैयार हो चुका है हमारा सब्जी, एकदम पानी सूख गया हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छा लगेगा खाने में दाल चावल पे। तो कैसी लगी हमारी ये नई तरीके की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।